यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करने वाले विरोधियों को 3 मिनट में ही भागना पड़ा क्योंकि मार्शल की तैनाती जबरदस्त अंदाज में जो थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, राष्ट्रीय गान के खत्म होते ही हो हल्ला शुरू हो गया। हल्ला इतना जबरदस्त था कि सुन भी नहीं पा रहा था कि राज्यपाल क्या बोल रही है, लेकिन 3 मिनट से ज्यादा यह हल्ला चल नहीं पाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहीं पर मौजूद थे, वो भी लगातार राज्यपाल के भाषण को सुन रहे थे, लेकिन विपक्षियों ने तो आज समझ लिया था, सोच लिया था कि कुछ सुनेंगे नहीं, कुछ देखेंगे नहीं, सीधा विरोध जो करना है। बस फिर क्या था, आए राष्ट्रगान शुरू हुआ और हो हल्ले की आवाज आप भी सुन लीजिए। माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के वर्ष 2021 के प्रथम सत्र हेतु आहूत समवेत अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस अवसर पर मैं आप नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ और कामना करती हूँ कि नव वर्ष आपके समस्त प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की खूबियां बता रही थी, सरकार की खूबियां बता रही थी, लेकिन उन खूबियों के बीच अगर खामी नजर आ रही थी तो हो से। जी हाँ, पूरा शोर जोर से था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पूरी तैयारी से विपक्ष आया था, लेकिन बाहर तक ही बाहर जो भी उनके पास विरोध करने का सामान था वो उनसे ले लिया गया था। जो नहीं छोड़ने वाले थे पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था, और जो अंदर पहुंचे वो 3 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाए। हल्ला जब कम हुआ, गला रुंधने लगा, तो वॉकआउट करते नजर आने लगे। कोरोना संक्रमण को अत्यंत प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की, जिसकी सराहना माननीय प्रधानमंत्री जी व विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है। मेरी सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत पूर्ण लॉकडाउन के दौरान समस्त आवश्यक कार्यों की निरंतरता को प्रभावित करते हुए बिना प्रदेश के समस्त सरकारी कर्मी को केवल वेतन का भुगतान अबाधित रूप से किया गया। प्रदेश में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की जांच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में 125 लैब तथा निजी क्षेत्र में 104 लैब क्रियाशील है। कोविड जांच की क्षमता को 0 से 2 लाख प्रतिदिन तक पहुंचाने, कोविड रोगियों के हेतु 1,50,000 से अधिक बेड्स एवं प्रत्येक जनपद में ICU की स्थापना कर हेल्थ सेक्टर को सुदृढ़ बनाने एवं कोरोना प्रबंधन में मेरी सरकार ने जो कार्य किया है उसकी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। वर्तमान में कोरोना की संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने के लिए बृहद स्तर पर कोरोना टीकाकरण प्रगति पर है। हमारे देश ने 2 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च किए, जिन्हें देश में युद्ध स्तर पर टीकाकरण में उपयोग के साथ साथ अन्य मित्र देशों को भी प्रदान किया जा रहा है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं देश के वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों श्रमिकों ने अपने गृह जनपद हेतु प्रस्थान किया। मेरी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के माध्यम से लगभग 40 लाख प्रवासी कामगारों श्रमिकों को उनके गृह जनपदों तक पहुंचाने का कार्य किया। उपरांत चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं की गई। अब आप ही बताइए ये कैसा विरोध, कम से कम सुनते तो, समझते तो, देखते तो, लेकिन देखना सुनना किसका। राज्यपाल ने बोलना ही शुरू किया था,
तीन मिनट ही बोले थे और विरोधी भागते नजर आए। अब आप ही बताइए ऐसा विरोध का क्या देखेंगे आप। अखिलेश यादव के विधायक पेट्रोल डीजल लेकर पहुंचे थे, उनके हाथों में ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन वो बाहर ही रह गए। अंदर ले जाने की कोशिश तो खूब थी, विरोध खूब करना था, लेकिन वो विरोध ज्यादा नहीं हो पाया। अब देखना होगा आगे विधानसभा का यह सत्र कैसे चलेगा और इस पर विरोध होगा कैसे, और मुख्यमंत्री और राज्यपाल प्रदेश की खूबियां बताएंगे क्या। लगातार पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और एडवांस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।